हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार ए के मिश्रा जी हमारे बीच हैं। ए के मिश्रा जी, ये जो इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमने बात की तो उन्हीं पार्टियों से, सभी आश्वस्त हैं, लेकिन परिस्थिति क्या कहती है? अगर आप नितिन अग्रवाल का वोट देखें, अगर आप अनिल सिंह का वोट देखें, और राजा भैया को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। नहीं देखिए, अच्छा जी, मैं आपको बोलूँगा, हमारे सारे मित्र किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, और आशावादिता क्या होती है ये इनसे सीखना चाहिए। हमें रियलिस्टिक होके एनालिसिस करना चाहिए। मेरा किसी पार्टी से कुछ नहीं है। मैंने सुबह भी आपको ये बोला था कि देखिए, जो निर्दलीय विधायक हैं उनका मेन रोल होगा और क्रॉस वोटिंग का मेन रोल होगा। कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने बोली थी, रिजल्ट्स उसी तरीके के आ रहे हैं। राजा भैया ने अभी ट्वीट किया, वो बार बार बदल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वोटिंग क्या होगी, पीछे के डायनामिक्स को ज़रा समझने की आप कोशिश करिए कि कोई निर्दलीय आदमी या व्यक्ति क्यों किसी को वोट करेगा। अच्छा, अभी बात ये भी हो रही थी कि हो सकता है बीजेपी में भी कुछ क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि सजी सजाई हुई थाली को छोड़ करके उससे बेहतर ऑप्शन बीजेपी वालों को नहीं मिलेगा। दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो हो सकता है डिक्लेयर्ड वे में करें, जैसे कुछ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया अभी या अभी के पहले। कुछ लोग हो सकता है डिक्लेयर ये करें कि हम अपनी पार्टी को करेंगे, लेकिन जाकर के वोट किसी और को देंगे, उसमें उनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं और उनकी अपनी फ्यूचर की प्लानिंग है। तो मुझे ये लगता है, अच्छा दूसरी ये चीज़ है कि बीजेपी के लिए ये इलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल के लिए, सेंट्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा कोई कोर कसर छोड़ेगी कि वो ये गेम हार जाए। दूसरी पार्टियों के लिए जीतने पे भी कोई बहुत माइलेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जीतेंगे, वो एक दर्ज होगा रिकॉर्ड में कि वो जीत गए। राज्यसभा में इससे बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, राज्यसभा में फर्क पड़ेगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन ये है कि विपक्षी लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। ये है कि वो बीजेपी को रोकने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि राज्यसभा में बीजेपी को रोक दिया जाए, या इस जीत से उनको कोई जो है डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारे के सारे लोग इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि राज्यसभा में जो बीजेपी का शक्ति संतुलन है उसको चेक किया जाए। उनको डायरेक्ट बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, उनको केवल ये होगा कि बीजेपी जो अपोजिशन है उसको चेक किया जाए। मुझे ये लगता है कि बीजेपी बहुत गंभीरता से इसको ले रही है, दूसरी पार्टियाँ भी ले रही हैं, और वो किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को वो हारना नहीं चाहेंगे। और अभी जितने भी आ रहे हैं, देखिए, इन्होंने बीएसपी वालों को भी तोड़ा, दूसरे और लोगों को तोड़ा, कई निर्दलीय लोगों को इन्होंने अपने में मिलाया, तो उनके इफ़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उनके इफ़र्ट्स को हम देखें, जिस हिसाब से वो लोग लगे हुए हैं, तो उससे भी ज़्यादातर उम्मीदें ये हैं। हालांकि असली चीज़ तो पता चलेगी कि अभी 2-4 घंटे के बाद जब रिजल्ट आएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और इसमें नंबर वन अगर प्रेफरेंस किसी को दिया जाएगा, चाहे कोई कैंडिडेट हो चाहे जो भी हो, वो भी देगा तो वो बीजेपी को देगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का कुछ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो उम्मीदवारी है, उनका जो क्लेम है, वो बहुत सशक्त है इन कंपैरिजन ऑफ अदर थिंग्स। ये डायनामिक्स है, ये फैक्ट है। तो जिसके कारण की जो रिजल्ट जो ज़्यादातर फेवरेबल होना चाहिए, वो बीजेपी के फेवर में होना चाहिए। चलिए, और हमारे राजनीतिक सलाहकार ए के मिश्रा लगातार बने हुए हैं।